हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्मोकी आई मेकअप करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने कंसीलर लिया है। ये मेरा कंसीलर NYB का है। आपके पास जो भी कंसीलर हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और इसको अपने आईब्रोज के ऊपर और आईलिड में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ मैं, आप देख सकते हैं, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप अपनी फिंगर की भी हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। और इसको ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम दें, चाहे आप फाउंडेशन लगाएं, कोई भी क्रीम लगाएं, तो अच्छी तरह से ब्लेंड करें जिससे कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। कंसीलर लगाने से आईब्रोज को अच्छा शेप मिलता है, प्लस आप कोई भी आई शेडो यूज करेंगे तो वो उभर के आता है, इसलिए कंसीलर जरूर लगाएं। और इसको सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट या कोई भी लाइट कलर का शेड, वैसे मैं लाइट कलर का शेड ले रही हूँ जिसे एज अ ट्रांजिशन शेड भी कहते हैं, तो उससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। तो ये मेरा बेस जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से डार्क ब्राउन शेड लूंगी और इसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर लगाऊंगी। ब्रश में ज्यादा क्वांटिटी ना लें, ज्यादा लेने से ब्लेंड नहीं होगा अच्छी तरीके से, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लें और अच्छी तरह से ब्लेंड करें। अब मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये मैं ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ। आपके पास जो भी ब्लैक आई शेडो है तो आप उसे यूज कर सकते हैं अपने पैलेट से। और इसको मैं अपनी लेस लाइन से लगाऊंगी ओवल शेप में। इसको भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर ही लगाना है अपनी लेस लाइन में। आपको जितना ब्लैक कलर चाहिए, मीन्स जितना स्मोकी आई कलर चाहिए, उतना आप अपनी लेस लाइन में लगाएं। और ब्लेंडिंग में ज्यादा आप ध्यान दें। आज मैं आईलाइनर नहीं यूज कर रही हूँ, तो अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ब्लैक और जो मैंने ऊपर ब्राउन शेड लगाया था उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से, जिससे कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए, इवन सा लगे। मैं एक बार फिर से ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ और अपनी क्रीज लाइन पे फिर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और जितने भी मेरे आई शेडो के पार्टिकल गिरे थे तो उसको मैंने रिमूव कर दिया है। और लेस लाइन में आप देख सकते हैं, मैं ब्लैक और ब्राउन कलर का आई शेडो मिक्स करके लगा रही हूँ। आप कोई भी आई शेडो अगर अपनी आईलिड पे लगा रहे हैं तो उसको आप लेस लाइन में जरूर यूज करें। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। तो आप अपने ब्लैक आई शेडो से भी यूज कर सकते हैं आईब्रो फिल करने के लिए, या कोई भी आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हैं। Thank you.
देखिए ये ब्रश कितना अच्छा कवरेज देता है। कोई भी हार्श लाइन हो तो उसको ध्यान दें। और मेरे लिप के कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लेमिशेस था तो मैंने वहाँ पर एक बार फिर क्रीम लेकर यूज़ किया, अप्लाई किया है, और अब मैं इसको सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट से। तो मेरे पास ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट है, आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट हो तो आप यूज़ करें, या लूज़ पाउडर है तो आप उससे यूज़ करें। लेकिन आप कोई भी क्रीम, BBCC क्रीम या फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो अपने कॉम्पैक्ट से इसको ज़रूर सेट करें। सेट करने से क्या रहता है कि हमारा फाउंडेशन निकलेगा नहीं, गर्मी है तो पसीने में ये बहेगा नहीं, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है इससे ये, और कोई भी क्रीज लाइन है तो वो लाइन नहीं रहेगी। अब मैं यहाँ पर ब्लशर यूज़ कर रही हूँ अपने चीक पॉइंट पर। तो ये मेरा पीच कलर का ब्लशर है। तो आपके पास अगर ब्लशर नहीं है तो अपने आई शेडो पैलेट में से कोई भी लाइट कलर लेके अपने ब्लश यूज़ कर सकते हैं। ब्लश लगाने के लिए आप इसको ब्लेंड अच्छी तरीके से करें, जितना ब्लेंडिंग पे ध्यान देंगे उतना अच्छा ये निखर के आएगा, नेचुरल लगेगा। अब मैं यहाँ पर विविट का हाइलाइटर ले रही हूँ, ये बेक्ड हाइलाइटर है, और हाइलाइटर लगाने से नेचुरल ग्लो सा लगता है। तो आप हाइलाइटर उस जगह पर लगाएं जो आपके फेस पे, जहाँ पर लाइट हिट करती है आप उस जगह पर हाइलाइटर लगाएं। अब मैं अपने ब्रो बोन में भी हाइलाइटर यूज़ करूँगी, इससे आइज़ अट्रैक्टिव लगेंगी, आइज़ के और इनर कॉर्नर में भी ज़रूर लगाएं। पीछे देख सकते हैं आपको मेरा बेटा दिख रहा है, वो अभी स्कूल से आया है, आज उसके स्कूल में भी डांडिया सेलिब्रेट किया गया था फंक्शन को। और ऑलमोस्ट मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं इसको लिपस्टिक लगाऊंगी। आपके पास कोई भी लिपस्टिक हो, लिक्विड लिपस्टिक हो, बुलेट लिपस्टिक हो, तो उसको लगा के अपना मेकअप को कंप्लीट कीजिए। तो ये मेरी NYBA की लिपस्टिक है, नेम है बिग एप्पल, और काफ़ी पिगमेंटेड है ये, और इसका कलर बहुत अच्छा है। वन स्वाइप में इसका पिगमेंट मीन्स कलर देता है तुरंत ये, और इसका कलर मैं बता दूँ ऑरेंजिश रेड है। तो आप इसको डे और नाइट कभी भी कैरी कर सकते हैं, पार्टी में या घर में भी, और किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको लगा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर परचेज कीजिएगा। और मैं अपने ब्लश को और उभारने के लिए मैं एक बार फिर, आप देख सकते हैं मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई गलती हो गई मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।